नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेज वन SSB इंटरव्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, आज हम किस किस के बारे में बात करेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हम आज बात करेंगे फ्रेंड्स कि पहले दिन जब आप SSB देने जाओगे तो पहले दिन आपका क्या क्या होगा, और उसमें जो PPDT और GD होता है, मतलब पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसमें क्या क्या होगा और क्या होता है स्क्रीनिंग में, इसकी हम फ्रेंड्स आपको फुल प्रोसेस बताएंगे। रिजल्ट आपका कब बताया जाएगा ये भी बताएंगे, कहां से आपको अंदर जाना है ये सब हम आपको जानकारी देंगे। इसलिए आप प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जैसे ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का ये हॉल रहेगा, इसके अंदर आपको ले जाया जाता है, यहाँ से आपका अंदर जाने का रहता है। पहले यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स को ले जाया जाता है, उसके बाद स्क्रीन डाउट को, उसके बाद रिपीटर्स को ले जाया जाता है, जहाँ आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और कुछ देर आपको फ्रेंड्स बिठाला जाता है, लगभग हाफ आवर्स फ्रेंड्स आपको बिठाला जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप लोगों की जो है साइकोलॉजिस्ट और पूर्व आर्मी ऑफिसर आप लोगों के पास आ जाते हैं, जो कि आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, जो कि आप लोगों को फ्रेंड्स इंग्लिश में दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, लेकिन आप कुछ हिंदी में जानना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब आप जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ से अंदर जाएंगे तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज वन, मतलब जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, हम इसी को देखते जाते हैं। पहले दिन सुबह जल्दी, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है फ्रेंड्स, SSB साक्षात्कार लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब SSB इंटरव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब पहला टेस्ट होता है SSB साक्षात्कार प्रक्रिया का, मतलब ये फ्रेंड्स आपका सबसे फर्स्ट टेस्ट होता है। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स की मेंटल स्क्रीनिंग होती है, दो प्रकार के परीक्षण होते हैं के तहत, स्क्रीनिंग परीक्षण के तहत आपके दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर दिया हुआ है खुफिया परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट में सरल तर्क और एप्टीट्यूड कौशल परीक्षण की जाती है, इसमें 40-50 लॉजिकल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स इसमें 40-50 रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। फ्रेंड्स मैं गया था तो वहाँ पर हमें भी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के MCQ वाले सवालों का जवाब देने के लिए 15-20 मिनट दिए गए थे फ्रेंड्स। इसमें ये मैंने ही तैयार किया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं सब चीज़। और फ्रेंड्स सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास कितने 15-20 मिनट रहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स अगर आप SSB देने जाएंगे तो उन प्रश्नों को आराम से और जल्दी से भी कीजिएगा, क्योंकि टाइम भी कम रहेगा और आपको इंटेलिजेंसी से भी करना है, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी में भी ना कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक अंक नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये समय हर पोस्ट के बाद SSB के लिए अलग गर्म है, मतलब फ्रेंड्स ये समय जो है हर पोस्ट के लिए अलग अलग रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेस पर कैंडिडेट्स को रेटिंग दी जाती है, इसमें उम्मीदवार की त्वरित सोच और विश्लेषणात्मक सोच की जांच की जाती है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो ये जो आपका मतलब रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका उतना ज़्यादा मेहनत करने लायक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स इसके नीचे जो आपका PPDT होता है, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस प्रकार की आपको इमेज दिखाई जाती है, कोई भी ब्लर इमेज आपको दिखाई जाती है, इसको PPDT बोलते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, चित्र धारणा और चर्चा परीक्षण। फ्रेंड्स आपको इसमें 30 सेकेंड के लिए एक ब्लर इमेज दिखाई जाएगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह ये ब्लर इमेज आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से दिखाई जाएगी, हमें भी दिखाई गई थी, उसमें एक किसान दिखाया गया। फ्रेंड्स ये किसी भी प्रकार की ब्लर इमेज हो सकती है। इसके नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस टेस्ट में कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से एक ब्लैक एवं वाइट धुंधली 30 सेकेंड के लिए इमेज दिखाई जाएगी,
उसमें फ्रेंड्स सफ़ेद चादर दी जाती है जिसमें स्टोरी का टाइटल लिखना होता है। फ्रेंड्स आपको एक वाइट पेपर दिया जाता है जिसमें आपको स्टोरी का टाइटल वगैरह लिखना होता है, और फ्रेंड्स उसकी लिंग, आयु, वर्ल्ड वर्ल्ड स्थिति पद करके बल्लेबाजी होती है। चित्र के अनुसार इस SSB के बाद 3 मिनट दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप पहले समझ गए होंगे, मतलब इसके ऊपर सबसे पहले तो आपको स्टोरी लिखनी होगी। क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को इसके बारे में स्टोरी लिखनी होगी, जिसमें आप लोगों को स्टोरी पूरा अच्छे से लिखना है, पूरा वर्णन होना चाहिए उसमें। और फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर और नीचे आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ये दिए जाते हैं। इसके बाद इस SSB के बाद फ्रेंड आपको 3 मिनट दिए जाते हैं पिक्चर के लिए, स्टोरी लिखने के लिए फ्रेंड्स आपको कितना 3 मिनट का समय दिया जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स आप जल्दी लिखिएगा। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव रहता है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बिल्कुल इंग्लिश में लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स और हम नीचे देख लेते हैं इसके बारे में, स्टोरी के लिए धारणा सही होना चाहिए। फ्रेंड्स आप जो स्टोरी लिखेंगे उसकी धारणा जो है बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, आपको मन से कुछ भी गलत सलत नहीं लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, बोर्ड के अधिकारी इसमें उम्मीदवार को सकारात्मक रुख पर हाई जज कैटेगरी के उम्मीदवारों को चीज़ों को देखने का तरीका सही को सोचेंगे, मतलब को चीज़ों, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो अधिकारी रहते हैं वो आपको सकारात्मक देखना चाहते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप गलती से भी नेगेटिव स्टोरी ना बना दीजिएगा। कैसी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आपको नेगेटिव स्टोरी बिल्कुल नहीं बनाना है, मतलब कि आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव स्टोरी ही बनाना है, हमेशा फ्रेंड्स स्टोरी को आपको पॉजिटिव ही बनाना है, आप बिल्कुल भी नेगेटिव स्टोरी नहीं बनाएगा, नहीं तो आप लोगों के माइनस मार्क्स हो सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत कहानी लिखने के बाद दिखाई गई पिक्चर पर ग्रुप चर्चा। फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं हम लोग GD बोलते हैं, जो कि ग्रुप डिस्कशन है। तो फ्रेंड्स आपको इसी में ध्यान देना है, ग्रुप डिस्कशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स। तो ग्रुप डिस्कशन में फ्रेंड्स आपके 3 टीचर बैठे होते हैं, एक GTO वाले होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक पूर्व आर्मी ऑफिसर होते हैं। फ्रेंड्स इसलिए आप इसे ध्यान से दीजिएगा, साइकोलॉजिस्ट सब समझ जाते हैं अपनी सोच क्या है, इसलिए फ्रेंड्स आप बहुत मेहनत करिएगा, SSB इतना आसान नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स चर्चा परीक्षण होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में अभ्यर्थी के रूप में अभिजाति की शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति, भाषा की स्पष्टता, तार्किक एवं व्यापारिक आत्मविश्वास किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें भी आप इंग्लिश या हिंदी दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश का उपयोग कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सहभागिता और दूसरों के विचारों को स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स वहाँ पर सभी लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, मतलब 15 लोगों का ग्रुप बनाया गया था हमारे समय में, आप लोगों के समय में 20-25 लोगों का भी बनाया जा सकता है, लगभग 15 से 25 का ग्रुप्स बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, परीक्षा के रूप में कैंडिडेट्स को बॉडी लैंग्वेज और रवैया बराबर परिणाम निर्भर करता है, इसलिए अभ्यर्थियों को चौकस और विश्वास हारा जरूरी है प्रक्रिया में। तो फ्रेंड्स आप ये सब में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी स्क्रीनिंग ख़त्म हो जाती है ग्रुप डिस्कशन के बाद। उसके बाद फ्रेंड्स आपका स्क्रीनिंग का परिणाम आता है। उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स आप लोगों का स्क्रीनिंग का परिणाम, तो ये होता है फ्रेंड्स आपका फर्स्ट डे का परिणाम स्टेज 1 का, फिर आपका स्टेज 2 शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स स्टेज 2 के लिए भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। PPDT के एग्ज़ाम के बाद उम्मीदवारों को दोपहर के खाने के आराम के समय, फ्रेंड्स पहले आपको खाना भोजन वगैरह खिलाया जाता है, और फ्रेंड्स आप ब्रेकफास्ट कब मिलता है, भोजन कब मिलता है, इस सब के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जाता है, ब्रेक के बाद स्क्रीनिंग राउंड का परिणाम की घोषणा किया जाता है। स्टेज 1 टेस्ट को
पास करने के लिए खुफिया रेटिंग, व्यक्तिगत कहानी सामग्री, कथन का विधि पर भाषा बराबर, मतलब फ्रेंड्स आपका सब प्रकार की स्किल्स देखी जाती है, उसके बाद ही आपका स्क्रीनिंग में रिजल्ट अलाउंस किया जाता है, इसलिए आप स्क्रीनिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें लगभग 250 कैंडिडेट जाते हैं, 250 से 300 कैंडिडेट जाते हैं, उनमें से फ्रेंड्स आप लोगों के में मात्र 20 से 25, मात्र फ्रेंड्स 20 से 25 या 25 से 30 कैंडिडेट बस ही सिलेक्ट होते हैं, मतलब फ्रेंड्स मुकाबला टक्कर का होता है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से और अच्छे से स्क्रीनिंग दीजिएगा। स्टेज सेकंड की अपेक्षा फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का जो स्टेज फर्स्ट है वो ज़्यादा आप लोगों के लिए टफ होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स आप स्टेज फर्स्ट में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्टेज सेकेंड की अपेक्षा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। यहाँ एक जानकारी और लिखी हुई, मैं ये भी बता देता हूँ, इस टेस्ट में कैंडिडेट की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, जिसमें जो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं करते उन्हें इस इंटरव्यू प्रोसेस से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप स्क्रीनिंग के और डिटेल्स से जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्क्रीनिंग की डिटेल्स से जानकारी आप लोगों के लिए लाएंगे, सभी SSB इंटरव्यू के लिए लाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को नया चेस्ट नंबर अलाउट किया जाता है, जो लोग फ्रेंड्स सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें नया चेस्ट नंबर अलाउट किया जाता है, और जो लोग सेलेक्ट नहीं होते उन्हें अपना चेस्ट नंबर दे के घर आना होता है। ये दिन एक और स्टेज वन की आखिरी गतिविधि होती है, ये फ्रेंड्स आपकी आखिरी गतिविधि होती है स्टेज वन की, किसकी फ्रेंड्स स्टेज वन की आपकी आखिरी गतिविधि रहेगी, इसके बाद आप लोगों को घर पहुंचा दिया जाएगा जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो आप लोग स्टेज वन में बहुत मेहनत कीजिएगा, फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं भी आती है आपको तो आप इतना मेहनत तो करिएगा कि आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह आप हिंदी में भी अच्छे से दे सकें, और हो सके तो इंग्लिश में दें, और इंस्ट्रक्शंस फ्रेंड आपको इंग्लिश में दिए जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है स्टेज वन या किसी भी SSB इंटरव्यू की जानकारी के बारे में या न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में, तो फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।